करें शुरू सर। करो करो बताओ। मैं बंसीलाल चौधरी, ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा, और हमारे साथ श्री फकीर चंद सतिया जी, जो सतिया जी जो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैंक क्लास फेडरेशन, और हमारे ऑल इंडिया ओबीसी वेलफेयर फोरम। ये एक हमारी ओबीसी जो समाज की जातियां हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो संगठन है उनका, ये उनका एक सारा संगठन है, क्योंकि इकट्ठे होके अंडर यूनाइटेड वन फोरम हम लोग ये बात आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं मीडिया का बहुत धन्यवादी हूँ जो समय समय पे हमारी पुकार जो है वो एक जनरल पब्लिक मिलाते हैं। तो मैं इस बात को शुरू करते हुए कि जो ये प्रधानमंत्री हमारे जो हैं, और जो जम्मू कश्मीर की स्टेट जिसके गवर्नर इस वक्त श्री मनोज सिन्हा जी हैं, ये दोनों गवर्नमेंटें जो हैं ये इस वक्त पॉलिटिकल गेम खेल रही हैं। चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उस चुनाव के समय में इन्होंने जो एक आज के 3 साल पहले जीडी शर्मा कमीशन नाम है, बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसमें क्या है, एक भी मेंबर उसका ओबीसी का नहीं है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे कमीशन से हमें कोई न्याय मिलेगा? उसी कमीशन की रिकमेंडेशन जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी अभी कुछ दिन पहले, उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारी जातियाँ जो मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई नहीं की कभी जम्मू कश्मीर के अंदर, ना ही काका क्लरिकल कमीशन रिपोर्ट 1955 की जो है उसमें भी नहीं। स्टेट के अंदर 10 कमीशन बने बैकवर्ड क्लासेस के, एक पहला कमीशन बना वजीर कमेटी जो 1969 में, जस्टिस आनंद कमेटी रिपोर्ट बनी 1977 में, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो सवाल ये पैदा होता है उसके बाद कमीशन पे कमीशन बने स्टेट के अंदर, लेकिन किसी ने इन जातियों को जो मेरे सामने लिखी हुई है बिल्कुल ये मैं पढ़ के, गड्ढा ब्राह्मण, दुब दुबे ब्राह्मण, कोली, आचार्य ब्राह्मण, ये मतलब कहने का कि इसमें ऐसी जातियाँ डाल दी जो उसकी सोच थी जी डी शर्मा की। आज में मैं हैरान हूँ कि जिस आदमी की जातिवाद सोच है इस वक्त, उसको जी डी शर्मा को चेयरमैन बनाया हुआ कमीशन का, उसने बिल्कुल जातिवाद देकर ये कमीशन के अंदर जातियाँ रिकमेंड की। या भाई EWS बना हुआ है, EWS किसके लिए बनाया? 10% जो रिजर्वेशन वो शेड्यूल कास्ट को नहीं मिलती है, शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिलती है, OBC को नहीं मिलती है। जब उन जातियों के लिए 10% शेड्यूल जो EWS रखा हुआ है, तो फिर इसमें OBC के डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन माइंडसेट जो है GD शर्मा का वो इस बना हुआ है कि वो जात पात के आधार पर आज भी वो लोअर कास्ट से नफरत करते हैं। ऐसे GD शर्मा चेयरमैन को पद से हटा देना चाहिए सरकार को जिसकी ऐसी सोच हो बिल्कुल। और साथियों सवाल यह पैदा होता है कि कमीशन अगर रिपोर्ट दिया सुप्रीम कोर्ट की, मेरे पास जजमेंट है, जजमेंट के अंदर साफ लिखा हुआ है, इट इज़ एन ऑर्डिनरी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, नॉट कंपल्सरी, इट इज़ ऑर्डिनरी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। जब एक ऑर्डिनरी बाइंडिंग है तो सरकार ये बात देख सकती है कि अगर कमीशन ने काम गलत किया है, गलत सोच से किया है, तो उसको रिजेक्ट किया जाए उस कमीशन की रिपोर्ट को। मैं ये कहता हूँ आपके माध्यम से हम लोग ये बात कहते हैं कि हमारे 2 सांसद जिनको अभी दोबारा टिकट मिली है इसको पार्लियामेंट के लिए, जितेंद्र सिंह को और ये जुगल किशोर शर्मा को, 10 साल से ये जीत रहे हैं जम्मू कश्मीर के, OBC के वोट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पे आकर कहा था 2014 में मैं OBC से हूँ, तो हमने सब ने OBC वालों उसको वोट दिया, लेकिन आज ये 2 सांसद जो खड़े किए दोबारा, इन सांसदों ने कभी भी OBC की आवाज़ जो सांसद भवन के अंदर जाकर कभी पुकार नहीं की कि OBC को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। आने वाले चुनाव में हम जो अपने OBC समाज को कहेंगे, ऐसे आदमी को ठुकरा दो इनको, लोगों को जो हमारी आवाज़ संसद में जाकर नहीं करते हैं, ऐसे सांसद हमको नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री जी नहीं चाहिए हमको, जिन्होंने एक बार भी संसद भवन के जाकर अंदर OBC की बात नहीं की। 52% वोट लिया जम्मू कश्मीर से।